उत्तर प्रदेश जिला बरेली के कुसुमनगर कॉलोनी वासियों ने लखनऊ के एसएसपी के पीआरओ और उनकी पत्नी के खिलाफ जिलाधिकारी से की उत्पीड़न की शिकायत। आपको बता दें, मामला है बरेली के थाना वारदरी क्षेत्र के कुसुमनगर के रहने वाले तमाम लोगों ने इंस्पेक्टर भरत सिंह और उनकी पत्नी हेड कांस्टेबल शशिकिरण की शिकायत जिलाधिकारी बरेली से की है। लोगों ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा है कि भरत सिंह लखनऊ एसएसपी के पीआरओ हैं और उनकी पत्नी शशिकिरण का मकान कुसुमनगर में है। उनका मकान गली की तरफ बना हुआ है, जिनके दोनों तरफ से अवैध कब्जा करके चौतरा बना लिया गया है। चौतरा बनने की वजह से मोहल्ले के लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसकी शिकायत जब उनसे की गई तो दोनों लोग झगड़े पर आमदा हो गए और अपने जानने वाले महिलाओं के उनके खिलाफ पद का दुरुपयोग करते हुए एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दे दी। किसान कर रहे हैं, मेरे खिलाफ मुकदमा भी लिखवा चुका, और जो मेरा निर्णय नहीं होगा, नहीं फैसला होगा, तो मैं आप हत्या खुद कर लूंगी। मैं बहुत परेशान हो गई, एक साल मुझे दौड़ दौड़ दे गई। बताओ, क्या मेरे बच्चा भी लिखवा देते हैं? क्या नाम तुम्हारा? मेरा नत्थो देवी नाम। कहाँ रहते हैं? मैं जेल रोड पर रहती हूँ, और कुसुमनगर में मेरा मकान है। मुझे बहुत परेशान जी कर रहा है, मार एली तेली सब तरीका ही बखानता। जब कहा तो वहाँ मैं लड़की और दामाद मेरे रह रहे हैं। देवी, ये समस्या ये कि रोड पढ़ने नहीं दे रहे, रोड की बात है, और मुकदमा लिखवा रहे हैं, और एक हमारे पास की जो औरत है उससे मुकदमा लिखवाया है। वो भी अभी वो अभी फाइनल उन्होंने फैसला भी कर लिया है, और लिखवाने को कह रहे हैं। बलात्कार भी लिखवाया, एक सीमा नाम की लड़की है उससे लिखवाने को मुकदमा कह रहे हैं। यही कौन परेशान कर रहे हैं? भरत कुमार गौतम, इंस्पेक्टर कुसुमनगर। न्याय ना करेंगे तो हम आप हत्या करेंगे। इसमें वो नखलऊ तैनात हैं जी, घर है वहाँ पर जी, उनका मकान है वहाँ पर, और कम से कम 10-12 मकान है, प्लाट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिव कुमार। सर, मामला ये कुसुमनगर रोड का अतिक्रमण को लेके था। रोड नगर निगम से पास हुआ, पास होने के बाद सर इनने 6-6 फीट रोड पे बाउंड्री करके जाल लगा रखे हैं। उसके लिए सर हमने रोड पास हुआ नगर निगम से हमने विरोध किया। इसी विरोध को लेकर सर मेरे पे झूठा मुकदमा एक कोतवाली बारादरी में लिखवा दिया, दूसरा शहर कोतवाली में लिखाया। जबकि सर 19 तारीख को हमने इनके साथ दिखाने की लूट की कचहरी पर, और 20 तारीख को हमने इनके साथ मारपीट की। 19 के यहाँ तहरीर दी शहर कोतवाली में, और 20 में दी बारादरी कोतवाली में सर। हम और महिलाओं को सर पैसा दे दे के हम पर झूठे बलात्कार और छेड़छाड़ के मुकदमा लिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें एक महिला को इनने सर 50,000 रुपये दिए। हमें बात पता लगी तो सर महिला ने हम पर लिखाया 2013 से बलात्कार कर रहे हैं शिकायत की, जिसकी CO थर्ड साहब ने जांच की तो वो निष्पक्ष, हम दोषी नहीं पाए गए तो मुकदमा नहीं लिखा गया, अन्यथा हमारे खिलाफ वो भी मुकदमा लिखा जाता। अब इससे पहले अधिकारी से मिले? इससे पहले सब अधिकारियों से मिल चुके, और कोई मेरी कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि वो इंस्पेक्टर हैं, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं। और सर मैं 2013 से वहाँ रह रहे हैं, मेरे खिलाफ आज तक कोई शिकायत कोई प्रार्थना पत्र इंस्पेक्टर साहब ने दिया हो तो बता दें मुझे। मेल ने सर 13/9 से जब रोड पास हुआ तब से सर मेल ने परेशान कर रहे हैं और दुखी कर रहे हैं। कौन है जो परेशान कर रहे हैं? इंस्पेक्टर भरत कुमार गौतम। कहाँ तैनात है? लखनऊ। और अधिकारी से मिले? पुलिस अधिकारियों से? पुलिस अधिकारियों से मिले, सबसे मिले सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके खिलाफ। कह रहे हैं कि वो प्रशासन का अधिकारी है, और सर मुझे डांट के भगा देते, कोई प्रार्थना पत्र ले लेते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई।